नमस्कार, डिलीशियस भोजन भी संगीता चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज का जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी, सुपर हेल्दी बोल सकते हैं, और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। और आपने इस रेसिपी को पहले कभी नहीं खाया होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और इतना टेस्टी और इतना हेल्दी बनेगा कि आप रोज बच्चों को बना के देंगे, टिफिन में बना के देंगे, हस्बैंड के लंच बॉक्स में देंगे ना, तो भी ये बहुत ही सुपर हेल्दी नाश्ता होगा। तो ये देखिए, मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जो हम रोज यूज करते हैं, रोटियां बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आटे को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो गया है और बहुत ज्यादा हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट, ताकि जो गेहूं का कच्चापन होता है, जैसे कि हमें कुछ हम बिना ड्राई रोस्ट किए बनाते हैं तो लगता है ना कि अरे गेहूं है ऐसा, तो ये चीज हमें फील नहीं होगी। और इसी फीलिंग को खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो गया है और आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो अभी हम एक बाउल में इसे पलट लेते हैं। तो पलट लिया है एक बाउल में मैंने, और अब हमें 1/4 कप सूजी चाहिए, बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। तो ये चम्मच से अगर लेंगे आप तो 3 चम्मच सूजी होगी, और ये 1/4 कप सूजी हमने डाल दिया। और हमें चाहिए दही, तो ये मैंने 1/2 कप दही लिया है। याद रखिए, 1 कप मैंने आटा लिया है, 1/4 कप मैंने सूजी लिया है, और दही हमें 1/2 कप लेना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा घटा बढ़ा सकते हैं, और मिला लेंगे हम। तो इसी कप में मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिसमें मैंने दही लिया था, और बहुत ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बैटर बनाना है, तो बहुत ज्यादा गीला बैटर हमें नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर यानी कि घोल तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, मिला लिया है हमने और 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी हमारी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, और इस तरह से ढक देंगे। तो दोस्तों, जब तक बैटर हमारा रेस्ट ले रहा है, हम बहुत ही हेल्दी सी एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सेम पैन लिया है मैंने और डाल देते हैं सिर्फ 2 से 2 चम्मच के करीब तेल। बहुत ज्यादा तेल हम नहीं डालेंगे, और तेल गर्म हो चुका है तो डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा, और थोड़ा सा क्रैकर कर लेते हैं। तो जीरा हमारा हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 1 छोटा सा प्याज, बारीक बारीक सा काट लिया है, और कच्चा पन जाने तक हम प्याज को भून लेंगे। तो दोस्तों, प्याज का कच्चापन चला गया है, प्याज को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ कच्चापन हमें दूर भगाना है। तो यहीं पे डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो 3 से 4 डाल सकते हैं, और हम मिर्च को भी इस तरह से भून लेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने लिया है हरी वाली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च 2 बड़े चम्मच, और छोटी सी गाजर जिसे बारीक बारीक काट लिया है, और 2 बड़े चम्मच ही मैंने लाल, पीली, हरी तीनों शिमला मिर्च लिया है। सब्जियां आप अपने मनपसंद की जो भी आप खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं, और हमें पकाना नहीं है पूरा, सिर्फ सौते करना है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम कूटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और एक बार चला लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है कि सब्जियों को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, और यहाँ पे डाल देंगे हम उबला हुआ 1 बड़ा आलू लिया है मैंने, इसे रफली मैश किया है, आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं, और अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मसाला मैजिक मैगी का,
थोड़ा सा आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चाट मसाला भी नहीं खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। तो सुपर हेल्दी सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार होने वाला है दोस्तों। एक बार से जरूर ट्राई करके देखिएगा, बच्चों के टिफिन में या फिर सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में आप इसे शामिल कीजिए। बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। तो भून चुका है हमारा स्टफिंग और निकाल लेते हैं किसी बर्तन में हम और ठंडा कर लेंगे। सूजी हमारी अच्छे से रेस्ट ले चुकी है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छे से थिक भी हो गया है। तो अभी हम एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे। ये लिया है मैंने 1/4 चम्मच के करीब इनो। आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इनो डालने से थोड़ा हल्कापन हो जाएगा बैटर में। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिला लेंगे। तो दोस्तों बैटर हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार है। कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए, बिल्कुल पतला ना रहे और ना बहुत ज़्यादा मोटा रहे। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, आप तवा भी ले सकते हैं। और डाल देंगे हम 1/2 चम्मच के करीब तेल, और किसी चम्मच से या किसी ब्रश से आप इस तरह से ग्रीस कर लें चारों तरफ से। और थोड़ा सा बैटर डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, थोड़ा सा और ले लेंगे और फैला देंगे इस तरह से। ना बहुत पतला बनाएंगे और ना ही बहुत मोटा बनाएंगे, मीडियम साइज का। हम जैसे हम रोटी या चीला बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इस तरह से फैला लेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर आपका थोड़ा ठीक हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लीजिए, पतला बना लीजिए। तो एक साइड से हम पक जाने देंगे। तो दोस्तों एक तरफ से पक गया है और हम इस तरफ से भी पलट लेते हैं, थोड़ा सा हाथ लगा लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, फिर इस तरह से किनारे किनारे से डाल सकते हैं ब्रश में लेके या चम्मच में लेके। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। और दोनों तरफ से हम पहले सेक लेंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ से भी सिक गया है। और अभी हम क्या करेंगे ना कि इस साइड से थोड़ा पलट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है क्योंकि पक ही गया है। तो थोड़ा सा हम ये जो हमने फिलिंग तैयार किया है ये हम डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ा सा हाथों की मदद लेंगे और एक बढ़िया सा रोल बनाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए बहुत बढ़िया सा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। तो हम निकाल लेते हैं पहले प्लेट में। ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट आता है दोस्तों। तो एक बार से इस तरह से जरूर आप ट्राई करके देखिएगा और इसी तरह से पहले सारा हम बना लेते हैं। तो दोस्तों नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। बहुत टेस्टी बनता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा और इसी तरह से आप सारा क्या कहते हैं कि बढ़िया से एकदम टेस्टी सा लगता है ये नाश्ता। और मैंने सारा बना लिया है और बहुत हेल्दी है, सुपर हेल्दी कह सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए इसकी फीलिंग देखिए। और बैटर हमारा ना ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिए, कितना टेम्पटिंग, कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है। आप अपनी मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को पसंद आता है केचप के साथ, तो मैं थोड़ा सा केचप यहाँ पे ले लेती हूँ। और आप किसी भी हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी, मूंगफली की चटनी, किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।